नदियाँ हमें जीवन देती हैं। हिंदुस्तान की नदियाँ हमारे मिथकों इतिहास पुराण से अभिन्न है। एक नदी हमें हमारी पहचान देती है तो दूसरी देवी के समान पूजी जाती है। किसी एक नदी के जल से पाप धुल जाते हैं तो किसी का नाम जुड़ा है आमोद प्रमोद से। सिंधु नदी का नाम जुड़ा है हमारी पहचान से। हिंदुस्तान बदल कर बन गया हिंदुस्तान। लेकिन ये इतिहास की कितनी बड़ी विडंबना है कि ये नदी आज हमारी सरहद को पखारती हुई ओझल हो जाती है और अपने हजारों मील लंबे सफर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, बहुत मामूली सा हिस्सा इस देश में तय करती है। तिब्बत के पठार को कहते हैं दुनिया की छत। सदियों से दुर्गम इलाका एक रहस्य लोक समझा जाता रहा है। इस मायावी संसार में एक अद्भुत विराट ताल है, मान सरोवर। इस सरोवर से निकलती हैं संसार की कुछ प्रसिद्धतम नदियां, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और वैंगो। पिछली सदी तक लोग मानते थे कि गंगा का उद्गम भी यही होता है। अंग्रेजों ने गंगा का स्रोत खोजने के लिए कई अभियानों का संचालन किया। उनकी असली रुचि चाहे सैनिक सामरिक रही हो, पर इन खोज यात्राओं का भरपूर लाभ भूगोल और इतिहास के विद्वानों ने उठाया। दुर्गम प्रदेश बारे में जानकारी जुटाई जा सकी और साथ ही हिमालय पार का रहस्य खुल सका। इस सबसे सिंधु नदी का रोमांस रोमांच कम नहीं हुआ, बड़ा ही है। सच भी है, आखिर यही नदी हिंदुस्तान को उसका नाम देती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बच्चा बच्चा जानता है। संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में इसका शुमार होता है। आज इसकी याद बची रही है तो कुछ मिट्टी की मोहरों में, कुछ मोहक मूर्तियों में और खंडरों में। नदी ने अपनी धारा क्या बदली, जीवन देने वाला स्रोत ही सूख गया। आज सिंध नाम से पहचाने जाने वाला इलाका बुलवा रेगिस्तान है। मजेदार बात यह है कि जहां सिंधु नदी का जन्म होता है वो इलाका भी एक विशाल रेगिस्तान जैसा ही है। दूर दूर तक जहां तक नजर जाती है पेड़ पौधा कुछ भी नहीं दिखाई देता। वर्षा तो यहां होती ही नहीं। तेज बर्फीली हवाएं सतह से मिट्टी उड़ा ले जाती हैं, बची रह जाती है नंगी चट्टानें। शायद कुछ कुछ चांद की निर्जन सतह सा लगता है। इस विराट बंजर विस्तार में आबादी बहुत विरल है। जहां जहां जीवन देने वाली सिंधु नदी है वहीं हरियाली के दर्शन होते हैं, वहीं जीवन है। मनुष्य और मवेशी वहीं दिखाई देते हैं। यही लद्दाख के चांगथांग प्रदेश में सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। तिब्बती भाषा में चांगथांग का अर्थ है खुली मैदानी चारागाह। सामरिक कारणों के प्रतिबंधित इस भूभाग में अबाध यात्रा नहीं की जा सकती। इसीलिए हम पहले पहल सिंधु को देख पाते हैं उपसी में। ऊसर भूरी धरती में छुपी मटमैली नदी मुश्किल से दिखाई देती है। समतल जमीन पर आराम से बहती हुई यहां पर सिंधु किसी और पहाड़ी नदी से बिल्कुल फर्क लगती है। लुका छिपी खेलती हुई
नदी आगे बढ़कर पहुंचती है ठीक से। यहां बना बौद्ध गुम्फा लासा के पोटाला प्रसाद की याद दिलाता है। कई मंजिला भवन एक पहाड़ी की चोटी तक पहुंच आसमान को छूने की कोशिश करने लगता है। इसकी छत से सिंधु घाटी की हरियाली देखते बनती है, रेगिस्तान में नखलिस्तान की तरह। मखमली हरे कालीन पर सोने जैसे अन्न की बालियां, सिंधु का उपहार। और आगे मिलता है शे। यह शहर कभी लद्दाख के शासकों की राजधानी थी। मिट्टी का किलानुमा महल देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसके भीतर एक छोटा सा गुम्फा है। वर्ष में एक बार शे में एक रंगारंग मेला जुटता है। इसमें भाग लेने आस पड़ोस से नहीं दूर दराज से भी लद्दाखी आते हैं। गाजे बाजे के साथ एक जलूस में एक लामा की सवारी पवित्र स्थान तक लाई जाती है। गांव वाले लामा को खाद्य और पेय सामग्री उपहार में देते हैं। लामा मंत्रों के उच्चारण के साथ आवेश में भर नाचने लगते हैं और लद्दाख के वर्ष फल को सुनाते हैं। फसल कैसी होगी, रोग शोक का प्रकोप कैसा रहेगा, सामूहिक भविष्यवाणियों को रोजमर्रा एक दूसरे का सुख दुख बांटने वाले लद्दाखी बड़े चाव से सुनते हैं।
नदी के पार है स्तकना गोम्फा। ये एक छोटी सी चट्टान पर बना है जिसकी तलहटी पर बसे गांव वाले एक बार फिर ये याद दिलाते हैं कि इस ऊंचाई पर जीवन कितना कठिन है। आतंकारी, निर्जन, विस्तार, निपट सूनापन, नंगी चट्टाने, पथरीली जमीन, उपजाऊ मिट्टी को अपने साथ उड़ा लेने वाली हवाएं, पेड़ पौधों की तो क्या बात, घास के तिनके भी दुर्लभ हैं। सिंधु की संतानों का जीवट कम नहीं, स्त्री पुरुष बच्चे बड़े साथ साथ श्रम करते हैं, प्रकृति के साथ संघर्ष में हिम्मत नहीं हारते और अंततः उनकी मेहनत रंग लाती है, खेत खलिहान भरते हैं, पशुधन जुटता है। तिब्बती से पुकारते हैं सिंचू, अर्थात सिंह नदी। इसका स्रोत उनके लिए भारतीयों के समान ही पवित्र है, कैलाश पर्वत की तलहटी में फैला मान सरोवर। कुछ लोग इसे नदी नहीं मानते, नद कहते, ब्रह्मपुत्र जैसा शक्तिमान पुरुष प्रतीक। पर अपनी जन्मभूमि में सिंधु आतंकारी नहीं, किसी भी साधारण पहाड़ी नदी सी दिखती है। पंजाब पंच नद प्रदेश की सभी नदियां इसमें मिलती हैं। इनमें से हर एक के साथ हमारे जीवन की जाने कितनी सारी यादें घुली मिली हैं। इसी नदी के तट पर ईसा के जन्म से हजारों साल पहले एक अद्भुत सभ्यता का विकास हुआ था और इसी के किनारे सूर्यास्त देखते सिकंदर ने अपना विश्व विजय का स्वप्न बिखरते देखा था। सिंधु नदी लेह पर उचटती सी नजर डालती, उसे छेड़ती सी बाजू से निकल जाती, पर लेह का जीवन सिंधु के अमृत जैसे जल से सिंचित है। मिट्टी का बना विशाल किला लेह की पहचान है, शहर इसी की छाया में बसा है, बाजार चहल पहल वाला है। भले ही आज इस जगह व्यापारियों के कारवां काफिले नहीं ठहरते, पर पर्यटकों की कमी नहीं। बाजार से ग्रामीणों के दैनिक उपयोग की चीजें, ताजी सब्जियों के साथ साथ पर्यटकों को आकर्षित करने वाली कला वस्तुओं की प्रदर्शनी से लगी रहती है। लेह का बाजार खरीद फरोश की जगह होने के साथ साथ चौपाल का मजा भी देता है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न हिस्सों से उद्यमी व्यवसायी यहां पहुंचे हैं। शिक्षा के प्रसार के साथ स्थानीय लोगों के जीवन में भी बदलाव आया है। लेह शहर का चेहरा तेजी से बदल रहा है और लेह के पड़ोस में बसे साबू जैसे गांवों ने अपनी पारंपरिक पहचान बचा कर रखी है।
यहाँ स्थानीय जरूरत के मुताबिक बनाए मकान देखने लायक है, जो जाड़े में कड़ी सर्दी से बचाते हैं। भीतर का भाग लकड़ी पर नक्काशी से या रंगीन चित्रकारी से सजाया जाता है। ऊन से बुने कालीन फर्श को आरामदेह और दर्शनीय बनाते हैं। के बाहर रंग बिरंगे फूलों की फुलवारी लगाना साबू जैसे गांव वालों को बेहद प्रिय है। अब हम लेह छोड़कर लामा यूरू और कारगिल की तरफ बढ़ते हैं। तभी हमें सिंधु नदी फिर दिख पड़ती है, आसानी से पहचानी नहीं जा सकती। जल कई धाराओं में बट जाता है, वेणी में गूंथी चोटियों को खोलकर निखार दिया हो जैसे। जरा और आगे चलने पर नदी का चेहरा एक बार फिर बदल जाता है। सिमट कर सिकुड़ कर सिंधु एक संकरी घाटी में उतर जाती है, जाने कब। भूगर्भ शास्त्री कहते हैं लाखों वर्षों में नदी ने फौलादी चट्टानों को काटकर अपनी राह बनाई। हिमयुग आए और गए, पानी और पत्थर का ये रिश्ता बरकरार। पिछली संकरी घाटी से प्रकट होती है जंस्कार नदी, जिसका संगम नीमू से कुछ पहले सिंधु से होता है। जंस्कार ज्यादा तेज है, जैसे सिंधु को गले लगाने को उतावली हो। जैसे प्रयाग में गंगा यमुना का पानी साफ अलग पहचाना जाता है, वैसे ही यहां भी दो जल धाराओं की अलग पहचान है। जाड़ों में संस्कार जम जाती है और गांव वाले उसके ऊपर ऐसे चलते हैं जैसे राजमार्ग हो। सिंधु का अगला पड़ाव है नीमू। सिंधु की कृपा से ऊसर में एकाएक हरियाली की लहर दौड़ जाती है। यहां जमीन उपजाऊ है, खेतीहर खुशहाल है और प्रसन्न। सिंधु के किनारे बसे नीमू में
लद्दाखी बच्चों की आंखों में चमक है, उनकी हंसी में खनक है। नीमू के आगे का इलाका फिर निर्जन और उदास होने लगता है। जैसे ही हम सिंधु का साथ छोड़ते हैं, एक आध जगह वीरान गांव नजर आते हैं। खाली भुतैले दैत्यकार बुत और खंडहर गुजरे जमाने की मुठभेड़ों की याद दिलाते हैं। सिंधु फिर आंखों से ओझल हो जाती है। वर्जित क्षेत्र, सूनी भूरी पहाड़ियों की कोख वैसी ही जैसे प्रकट हुई थी। सागर की ओर अपनी यात्रा का लंबा हिस्सा आज सिंधु भारत की सरहद के पार तय करती है। विभाजन के बाद जो भूभाग पाकिस्तान बना, वहीं पंजाब को सींचने वाली, समृद्ध बनाने वाली पांच नदियों से उसका संगम होता है। राजनीति जमीन को बांट सकती है, दिल और दिमाग को नहीं। सिंधु नदी की यह महान यात्रा तिब्बत के पठार से अरब सागर तक फैली हमें यही याद दिलाती है, हमारी सांस्कृतिक विरासत एक है। विविधता में एकता का जीता जागता प्रमाण है सिंधु का प्रवाह।